भारत को अगर मंदिरों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतने मंदिर हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी भव्यता और अनोखी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि इसका एक खंभा हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस मंदिर का नाम लेपाक्षी मंदिर है, जिसे हैंगिंग पिलर लेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक खंभे का जमीन से जुड़ाव नहीं है, वो रहस्यमयी तरीके से हवा में लटका हुआ है। लेपाक्षी मंदिर के अनोखे खंभे आकाश स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक खंभा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि खंभे के नीचे से कुछ निकाल लेने से घर में सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंभे के नीचे से कपड़ा निकाल लेते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का खंभा पहले ज़मीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने के लिए यह मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है इसको हिला दिया, तब से ये खंभा हवा में ही झूल रहा है। इस मंदिर में इष्ट देव भगवान शिव के क्रूर रूप वीरभद्र हैं। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्ध नारेश्वरी, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति और त्रिपुरा केश्वर भी मौजूद हैं। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। कुर्मा शैलम की पहाड़ियों पर बना ये मंदिर कछुए की आकार में बना है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण तिरुपुरना और बिरना नाम से दो भाइयों ने 16वीं सदी में कराया था, जो विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, और ये वही जगह है जहां जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और राम को रावण का पता लगाया था। मंदिर में एक बड़ा सा पैर का निशान भी है, जिसे त्रेता युग का गवाह माना जाता है। कोई इसे भगवान राम के पैर का निशान तो कोई माता सीता के पैर का निशान मानते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ओपिनियन दें।